Very good morning, children. Welcome back to 10 Science Part 3 video of Chapter 2. So, acid, bases, and salts, that's what we were discussing. And we discussed about, what do you mean by an acid, what do you mean by base, and what do you mean by a salt. And then we discussed about indicators. And what are the three types of indicators, how do they indicate. And then we learned about reactions by an acid and reactions by a base. So the five types of reactions we dealt with. So there are a few activities given in your textbook related to that, reactions. So if you know the reaction, what it makes, when acid react with metal, what it makes. So if it makes salt and hydrogen gas, then surely if you have a similar reaction that there is an acid and there is a metal, put into that acidic solution, then you can easily imagine what will evolve. Hydrogen gas will evolve. So those kinds of activities are there, and you can read through the activities and understand that what is really, how it relates with the chemical reactions that we have already learned. So अभी हम उसका next topic की ओर जा रहे हैं. और in the last topic I have told you about a strong acid, a weak acid, strong base, weak base, and then a strong salt नहीं है, salt को बोलते हैं या तो acidic salt, नहीं तो basic salt, otherwise a neutral salt. So, ये सब इसके वजह से होता है क्योंकि सारे एसिड एक समान कॉन्सेंट्रेटेड या एक समान वो तेज नहीं होता. तो एक एसिड का एसिडिक नेचर जो है, वो एसिडिक नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस फॉर बेस. तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, कैसे बताएंगे. उसमें अगर H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस अगर इक्वल है then that is neutral. लेकिन अगर OH माइनस आयंस से H प्लस आयंस ज्यादा है then that is acidic. और H प्लस आयंस कम है, OH माइनस आयंस ज्यादा है, then that is basic. So आप एक acidic, और या एक basic thing को ऐसा एक measurement कर सकता है, you can measure it like this. कि दिस इज सपोज एच प्लस आयंस, दिस इज OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन. सो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस जहां पे ज्यादा है दैट इज एसिडिक इन नेचर, और दोनों का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है ना, देन दैट इज न्यूट्रल. और ये वाला पार्ट जो है दिस इज बेसिक इन नेचर बिकॉज देयर आर लेस नंबर ऑफ एच प्लस आयंस एंड मोर नंबर ऑफ OH माइनस. सपोज दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स एच प्लस आयंस एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स OH माइनस आयंस. So we can easily understand that how we determine a solution to be acidic or basic. उसमें कुछ भी गुला हुआ हो सकता है, कि acid भी गुला हुआ है, base भी गुला हुआ है, whatever it is, है ना? Whatever the thing is dissolved, whether it is acidic or basic, how will it determine? By looking into the H plus ions and OH minus ions. तो उसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, इट इज एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए इंडिकेटर विच शोज डिफरेंट कलर, है ना, डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. सो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस के लिए डिफरेंट कलर वो दिखाता है ना. हो सकता है कि वो रेड है, फिर थोड़ा लाइट रेड है, फिर ऑरेंज है ना, येलो है, ग्रीन है, एंड इट गोज टू ब्लू कलर फॉर बेसिक सॉल्यूशन एंड रेड कलर फॉर एसिडिक सॉल्यूशन. लेकिन आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि एक पीएच पेपर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर वहां बता रखा है, जो एक सैंपल है ना, अप्रोक्सीमेट कलर चेंज वहां बता रखा है कि डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट वो कलर दिखाता है. कि और ये भी बताते हैं कि वो सोल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है, जितना ज्यादा एल्कलाइन है या बेसिक है, और जितना कम बेसिक है या न्यूट्रल है. ओके,
सो फॉर दैट वी हैव समथिंग एल्स कॉल्ड पीएच स्केल, क्योंकि कोई भी चीज को मेजर करना है कितना ज्यादा एसिडिक है, खाली एसिड और बेस बताना है तो आप कोई भी एक इंडिकेटर यूज करो, मिथाइल ऑरेंज यूज करो, फिनॉल फ्लोरीन यूज करो, राइट, पीएच पेपर, अदरवाइज लिटमस पेपर यूज करो. सो नॉर्मली यू कैन इजीली यू नो आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ बेस और इट इज एसिड. लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है ना, उसके लिए उसका जो स्ट्रेंथ फाइंड करना है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस, दैट इज अवर टॉपिक हियर, है ना. द टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस. सो एक एसिड और या एक बेस का स्ट्रेंथ कैसे हम डिस्कस करेंगे या कैसे हम मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए यू नो एक डच साइंटिस्ट सोरेनसन ने एक स्केल इन्वेंट किया. वो स्केल का नाम है पीएच स्केल. तो ये पीएच स्केल का नाम पीएच स्केल क्यों पड़ा, क्योंकि पी का मतलब पोटेंस होता है और पोटेंस का मतलब होता है पावर, जैसे 2 की पावर 5, तो यहां पे 5 जो है पावर है. सो नॉर्मली अपन साइंटिफिक नोटेशन में हर चीज जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में हम हर चीज को 10 की पावर में लिखते हैं, तो यहां पर जो भी है वो 10 की पावर है. तो कितनी H प्लस आयंस है 10 की पावर में, मान लो 2H+, मतलब 100H+ आयंस, या 10 की पावर में 1000H+ आयंस, है ना, इस तरह वट एवर इट इज, वो 10 की पावर में है. तो इतने आपके पास सॉल्यूशन है, वो 10 की पावर में कितना यू नो आयंस उसमें है, तो उसकी हिसाब से एक स्केल बनाया गया. सो पोटेंस, पी यहां पर पोटेंस को दिखाता है ना, और पोटेंस का मतलब होता है पावर, और एच यहां पर एच प्लस आयंस को दिखाता है. एच प्लस आयंस जैसे कि एच प्लस आयंस एसिड में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसका जो पीएच स्केल का वैल्यू 1 मानते हैं, और न्यूट्रल के लिए 7 और बेसिक के लिए 14. तो ये बहुत ही ज्यादा होने के बाद भी 1 क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक्चुअल फॉर्मूला अगर आप लिखे तो इसको लिखने का तरीका ये है, पीएच इज एक्चुअली नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस. अब आप पूछेंगे ये log, L-O-G, log या logarithm क्या चीज है, है ना. तो ये अभी आप पढ़े नहीं है, आपकी 10th क्लास का लेवल तक अभी तक एक फंक्शन नहीं आया. इट्स अ फंक्शन एक्चुअली, है ना, जैसे algebraic फंक्शन होता है x² + bx + c, है ना. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस साल आप पढ़ेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस तरह काफी सारे फंक्शंस मैथमेटिक्स में होती हैं, जो मैथमेटिक्स का यू नो सॉल्यूशन को थोड़ा ईजी बनाता है. ऐसा एक फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना. ये लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा पावर में ऑपरेट होता है, ना, इसके आंसर हमेशा पावर आता है. So, ये लॉगरिथम का फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का खूबी है. अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल बताऊं, 10 की पावर 2 कितना होता है, 100, है ना. तो 10 की पावर 2 100 होता है, तो अगर आप लॉग 100 लिखेंगे तो लॉग 100 का वैल्यू 2 होगा, लॉग 100 का वैल्यू हुआ 2. सो मतलब ये पावर आंसर बन गया और आंसर क्वेश्चन बन गया, लेकिन यहां पे बेस क्या है, 10 है, 10 की बेस है. सो यहां पर लोग का बेस 10 है, लेकिन अगर 10 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड बात है कि लॉगरिथम का बेस 10 है तो अपन लिखते रहे. सो लॉगरिथम में जब माइनस आता है तो माइनस की पावर 1 यहां पर चढ़ जाएगा. लॉगरिथम का रूल के हिसाब से देर आर 3 बेसिक रूल्स फॉर लॉगरिथम, और वो सब यहां पे अभी मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन अभी आप तो बस इसको ऐसे ही लर्न करो. तो log 1/h+ होगा, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर
you know, way to, the proper way to find the pH of a given solution. तो उसमें माइनस ऑफ लॉगरिथम होता है, लेकिन ये सब आपको लर्न करने का एक्चुअली जरूरत नहीं है. तो आपको ये समझना है कि यार पीएच जो है इट इज अ स्केल एक्चुअली, है ना. और ये कहाँ से कहाँ तक इंडिकेट करता है, 1 से 14 तक इंडिकेट करता है ना. क्योंकि इसके एक्चुअल थिंग्स जैसे लॉगरिथम है, ये कैसे 1/4 में आ गया, ये सब समझना है. फिर लॉगरिथम सीखना पड़ेगा, है ना. और वो तो क्लास 11 में, है ना, फिजिक्स में उसके एक बेसिक्स मैथमेटिक टूल्स के रूप में लॉगरिथम को सिखाया जाता है. सो वहां पर ही आप इसको सीखेंगे लॉगरिथम को. तो यहां पर आप अभी पीएच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस, है ना. और उसका लॉगरिथम ऑफ 1/h प्लस आयंस जो है वो पीएच स्केल में उसका वैल्यू 1 को पैदा करते हैं. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो वीक एसिड है तो उसका वैल्यू जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि H प्लस आयन कम, क्योंकि 1/H प्लस आयन तो H प्लस आयन कम है, तो H प्लस आयन कम है तो 1/H प्लस आयन का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना. जैसे 1/5 का वैल्यू ज्यादा है, 1/2 का वैल्यू ज्यादा है, 1/2 का वैल्यू ज्यादा है ना. 1/5 का वैल्यू होगा 0.2, 1/2 का वैल्यू होगा 0.5. आप इसको डिवाइड करके देखिए तब आपको समझ में आएगा. सो 1/5 को डिवाइड करने पे, 1 को 5 से डिवाइड करने पे 0.2 आएगी, लेकिन 1 को 2 से डिवाइड करने पे 0.5 आएगा. तो ये वेरी क्लियरली आपको बता रहा है कि जिसकी डिनोमिनेटर कम होती है वो ज्यादा वैल्यू होता है, और जिसकी डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो कम वैल्यू होता है. इसीलिए एक्चुअली जब आप पीएच स्केल लेते हैं तो इसके इट्स लॉगरिथम ऑफ 1/h प्लस आयंस है. सो एच प्लस आयंस जितना ज्यादा होगा उतना उसका वैल्यू कम होगी, और एच प्लस आयंस जितना कम होगी उतना उसका वैल्यू ज्यादा होगा. सो जो कम एच प्लस आयन का बत्ता बनाते हैं वो है एक वीक एसिड, क्योंकि उसका पीएच स्केल का वैल्यू ज्यादा होगा. तो यहां पर अगर पीएच स्केल की बात करें तो ये 1 जो है ये बहुत ही ज्यादा H+ आयन को पैदा कर रहा है. सो 1/H+ का वैल्यू बहुत ही कम आएगा, मतलब कम से कम 1 है यहाँ पे. और जैसे जैसे H+ आयन का वैल्यू कम होता जाएगा और pH का वैल्यू बढ़ता जाएगा और 7 जो है ये ऐसा pH का वैल्यू है जहां पे H+ आयन और OH- आयन बिल्कुल इक्वल है एंड इट इज न्यूट्रल. यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको ग्रीन कलर दिखाता है. और ये फिर आगे 14 तक जाएंगे तो 7 to 14 जो है एक बेसिक सॉल्यूशन का पीएच स्केल का वैल्यू जो है वो 7 to 14 में रहता है. तो आप डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का पीएच स्केल, है ना, इट इज एज एन इन्वेस्टिगेटरी क्वेश्चन फॉर यू. यू कैन सर्च द नेट, है ना, आपका ब्लड का क्या पीएच है ना. और जो वाटर आप ड्रिंक करते हैं, जो घर पे फिल्टर से जो वाटर आता है उसका पीएच क्या है, और जो ऑलरेडी पाइप में जो वाटर आते हैं, ऑलरेडी जो सप्लाई में जो वाटर आता है उसकी पीएच क्या है, और फिल्टर होने के बाद उसका पीएच क्या है. सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन यू नो इजीली फाइंड या थ्रू योर थ्रू योर वेब सर्चिंग थ्रू गूगल. There are a lot of information about different types of liquids, what is a pH. और even आपके book में भी एक table दे रखी है different acids का क्या pH है ना. lemon में जो acid citric acid है उसका क्या pH है ना. vinegar जो आप use करते हैं सिरका उसका क्या pH है ना. toothpaste का क्या pH है. So different substance का different pH होता है. और अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम वैसे भी सीखने जा रहे हैं वो है पीएच स्केल का इंपॉर्टेंस, है ना. जो भी सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं या हमारे है उसका पीएच से हमारा लाइफ में क्या फर्क पड़ता है. यू नो आपकी ब्लड का जो पीएच है वो 7 के आसपास ही है, 7 और 8 के बीच में है, 7 point something. तो वो पीएच चेंज होगा तो इट विल श्योरली अफेक्ट योर बॉडी, है ना. आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस सही होना जरूरी है. उसके अंदर जो भी सोडियम पोटासियम डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो सब बैलेंस्ड होना जरूरी है, अदरवाइज आप का सेल्स का फंक्शनिंग ढंग से होगा नहीं। प्रोटीन सिंथेसाइज, एनाबोलिक एक्टिविटीज, कैटाबोलिक एक्टिविटीज, है ना, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपके बॉडी में हो रहा है, सेल्स में हो रहा है, वो सब प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो हर चीज राइट अमाउंट में होना, विटामिंस राइट अमाउंट में होना जरूरी है, मिनरल्स राइट अमाउंट में होना जरूरी है, वाटर राइट अमाउंट में आपके बॉडी में होना जरूरी है, ना काफी पानी आपके बॉडी में होना जरूरी है, टू ड्रिंक वाटर एट टाइम्स। ओके, सो हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है, इसी तरह पीएच का भी इंपॉर्टेंस है। द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ। सो नंबर वन, वी आर गोइंग अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के बारे में मैंने बताया, 7.0 to 7.8 हमारा बॉडी का खास करके ब्लड का पीएच लेवल है, और इससे ज्यादा और इससे कम होना हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होगा। एंड अदर थिंग इज एसिड ब्रेन, एसिड ब्रेन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सल्फर का ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो बारिश के पानी में, यू नो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, इट कम्स डाउन एंड डिजॉल्व होने से फिर वो क्या बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गया तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, एंड नाइट्रिक एसिड, इस तरह की नाइट्रस एसिड एसिड के रूप में वो नीचे आते हैं पानी में घुल के। तो एसिड के रूप में जब वो नीचे आएंगे अर्थ में, जो प्लांट्स हैं उसके लिए वो हानिकारक है, क्योंकि प्लांट्स के लिए ना तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना तो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल के आसपास, लेकिन अलग अलग प्लांट्स के लिए थोड़ा अलग अलग यू नो पीएच ज़रूरी होती है, क्योंकि वो टेरेन के ऊपर या क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, और किस तरह की प्लांट्स वहाँ पर उग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पीएच क्या होना चाहिए, है ना। सो लेकिन 7 के आसपास पीएच है, तो ज्यादा एसिडिक होने पर भी दिक्कत है, ज्यादा बेसिक होने पर भी दिक्कत है। सो द रेन वाटर इवन सडनली जो अटैक करता है वो एक्वाटिक एनिमल है, जो पानी में रहते हैं, क्योंकि जो रेन वाटर है सिर्फ बहकर यू नो नदी में चला जाता है या सी वाटर में चला जाता है। सो इट अफेक्ट्स द सडनली इट अफेक्ट्स द फ्रेश वाटर एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स एक्चुअली, तो उनके पीएच गड़बड़ होने से फिर इट कैन डाई, यू नो। तो द नेक्स्ट वन इज पीएच ऑफ सोइल। सो प्लांट्स को जब उगाते हैं तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी का क्या पीएच है, और इवन जो डिफरेंट फार्मिंग करते हैं ना, फिश फार्मिंग करते हैं, डिफरेंट फार्मिंग करते हैं, वो हमेशा उस वाटर का पीएच को मेजर करते रहते हैं कि उसमें अमोनिया ज्यादा तो नहीं हुआ, और जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें भी जो लार्ज स्केल में करते हैं वो लार्ज स्केल में नुकसान को नहीं सह सकता, बिकॉज करोड़ ऑफ रुपीज लगा के वो करते हैं, तो उसमें फिर पूरी साइंटिफिक मेथड से वो उसको करते हैं, तो उसमें पीएच मिट्टी लेकर उसका पीएच को टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा। तो पीएच को सही करने के लिए उसमें हो सकता है कि यू नो एसिडिक ज्यादा एसिड ज्यादा हो, तो अगर एसिड ज्यादा है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है ना, क्विक लाइम, लाइम को डालते हैं, है ना, चूना पाउडर डालते हैं ताकि वो लेस एसिडिक हो जाए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेसिक थिंग। एंड देन अगर वो ज्यादा बेसिक है तो फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, काउडंग जैसा ऑर्गेनिक मटेरियल डालता है ताकि वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए या थोड़ा बहुत एसिडिक हो जाए। तो ज्यादा बेसिक भी नुकसानदायक है और ज्यादा एसिडिक भी नुकसानदायक है, उसको उस हिसाब से फिर फार्मर्स मेंटेन करता है, उनको जो रिक्वायरमेंट है पीएच का उसके हिसाब से फिर उसको मेंटेन करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएच इन सोइल एंड पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस वी ऑलरेडी नो, हमने पहले सीखा था कि स्टोमक में क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है ना, और उसके बाद सो अल्कलाइन मतलब एसिडिक बनाते हैं फूड को,
तभी पेप्सिन जो है एक्टिव हो जाता है, पेप्सिनोजन से वो पेप्सिन हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एंड देन इट कैन ब्रेक डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह फिर जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट होने के लिए उसको थोड़ा एल्कलाइन बनाना जरूरी है, तो बाइल जूस उसका काम करता है उसको एल्कलाइन बनाने में। सो डिफरेंट पीएच इज देयर इवन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कोई इंडाइजेशन हो रहा है, आपने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया, ज़्यादा ही पसंद आ गया, या कुछ खाना ऐसा खा लिया जो आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा, या यू हैव यू नो ईटन सम रॉ फूड, अच्छे से पका नहीं था खाना फिर भी खा लिया, तो उससे क्या होता है कि इंडाइजेशन होता है, काफ़ी दर्द लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। सो आपकी जो स्टोमक है वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालता है। सो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर आपके यू नो स्टोमक की जो वाल्स है उसको बर्न करना शुरू कर देगा, एंड यू फील इरिटेटेड एंड यू फील पेन इन द स्टोमक बिकॉज ऑफ द एक्सेस सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो एक्सेस सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी स्टोमक को बचाने के लिए यू नॉर्मली व्हाट यू टेक सम एंटासिड, है ना। So, जो कॉमन एंटासिड हम लेते हैं वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो वो एक जेलुजिल या जेल की फॉर्मूला में मिलता है आपको, एंड दैट इज बेसिक इमेज। तो वो हाइड्रोक्साइड है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो OH इज बेसिक इमेज। सो उसको आप सिर्फ एक टॉनिक के रूप में आता है, तो वो उसको पीने से आपकी जो पेट में जो यू नो इरिटेशन हो रहा है या जलन हो रहा है ना, द पेन है ना, उसमें एक राहत मिल जाता है। द रीजन इज दिस बेस कैंसल्स द एक्शन ऑफ व्हाट एसिड। सो ज्यादा एसिड की सेक्रेशन को रोकने के लिए या ज्यादा एसिड सेक्रेशन को कैंसिल करने के लिए, रोकने के लिए नहीं, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम एक बेस का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। And the next one is pH change causes tooth decay. pH in our mouth. हमारे माउथ में भी pH का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसको हम टीथ के द्वारा क्या करते हैं, उसको टीयर करते हैं, और उसको बिल्कुल है ना विद हेल्प ऑफ आवर टंग वी मेक इट बॉल्स, है ना, ए बॉल, एंड दैट गोज इन टू योर ओएसोफेगस। तो जिससे क्या होता है कि आपके दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स चिपक जाता है और घुस जाते हैं। फूड का माइन्यूट पार्टिकल्स हमेशा आपके दानों में रहते हैं, चाहे आप इसीलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद खुला करो, है ना, रिंस योर माउथ विथ वाटर। सो व्हेन यू रिंस योर माउथ विथ वाटर द फूड द विच इज लेफ्ट ओवर हियर एंड देयर इट विल गो आउट, बट स्टिल देयर विल बी फ्यू फूड पार्टिकल्स, वेरी माइन्यूट फूड पार्टिकल्स विल बी देयर। लेकिन जो ज्यादा पार्टिकल्स है वो तो निकल गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पार्टिकल्स हो गए। एंड देन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग योर स्लीप स्पेशली, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप स्वालो भी नहीं कर रहा, एंड स्वालो कर रहा था तो फूड पार्टिकल्स में जो बैक्टीरिया एक्ट हो रहा है उसकी जो सेक्रेशन है वो आपके पेट में चला जाता, लेकिन आप स्वालो भी नहीं कर रहा तो ये जो फूड पार्टिकल है इसमें बैक्टीरिया एक्ट होगी, बिकॉज योर माउथ इज ओपन टू द एयर। सो आपकी माउथ एयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो एयर में क्या है, सारे माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, बैक्टीरिया है। सो वो बैक्टीरिया आपके जो दांतों में एक्शन करना शुरू करेगा फूड पार्टिकल के ऊपर, इट विल डीके द फूड पार्टिकल, है ना, उसको खाना वहीं से मिलता है बैक्टीरिया। सो इट विल डीके द फूड पार्टिकल, देन इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड और इट विल प्रोड्यूस सम एसिड। तो वो एसिड जो है आपका बॉडी में आपका जो टीथ में डीके करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो टीथ है वो आपके बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है एक्चुअली, है ना, वाटर उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एसिड उसको कोरोड कर सकता है। टीथ का जो इनामेल होता है ना, स्पेशली इनामेल ऑफ टीथ, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन आवर बॉडी, तो बोन से भी स्ट्रॉन्ग है वो इनामेल, लेकिन वो इनामेल को कौन कोरोड करना शुरू कर देता है या उसको घिसना शुरू कर देते हैं, उसको खराब करना शुरू कर देते हैं, एसिड। सो दैट इज व्हाई इन द मॉर्निंग वी ब्रश विद टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट जो है दैट इज बेसिक इन नेचर, है ना, उसमें बेस है पूरा। तो टूथपेस्ट को आप, टूथपेस्ट से आप अच्छे से ब्रश करते हैं और पूरा, है ना, आपका
टीथ का हर एक पार्ट में अच्छे से उसको ब्रश करने का कारण ये है ना कि एसिड को बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सो एसिड को न्यूट्रलाइज करने से फिर आपके टीथ इनामेल जो है वो कोरोड नहीं होगी, योर टीथ विल नॉट डीके। राइट, ऐसे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि यार ज्यादा मिठाई मत खाओ, चॉकलेट ज्यादा मत खाओ, है ना, जो दांत है वो कीड़े पड़ जाएंगे। सो उसमें सिंपल रीजन ये है कि क्योंकि चॉकलेट या आप मिठाई जब खाते हैं तो उसमें शुगर का पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो हेवी शुगर का पार्टिकल है, और बच्चे क्या है ब्रश भी नहीं करते बार बार, है ना। बार बार ब्रश करना बहुत बढ़िया है ना, अगर आप दिन में फ्री टाइम्स ब्रश करते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग आफ्टर फूड, है ना, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद ब्रश करते हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना। उससे क्या है कि बिल्कुल आपके टूथ डीके नहीं होगी, लेकिन वो आपको बचपन से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार टूथ सारे डीके होने लगे और फिर करने लगे, तो जो डीके हो गया वो तो हो गया। सो दैट इज अ गुड हैबिट ऑफ ब्रशिंग, है ना, फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स यू कैन प्रैक्टिस दिस। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ हमेशा खाते रहते हैं, खाने के बहुत शौकीन है ना, कभी मूंगफली खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, ऐसे 24 मतलब जब भी वो सो रहा नहीं होता तब तक कुछ ना कुछ चबाते रहता है। उससे क्या होता है कि उससे ज्यादा इन्फेक्शन होने का, ज्यादा फूड पार्टिकल्स आपके यू नो टीथ इनामेल में, टीथ के बीच में घुस जाएंगे, एंड इट विल यू नो बैक्टीरिया स्टार्ट्स डीकेइंग द फूड पार्टिकल्स एंड कॉजिंग एसिड वाइल डीकेइंग, प्रोड्यूसिंग एसिड वाइल डीकेइंग, एंड दैट एसिड विल कोरोड योर टीथ। छोटे बच्चों के दांत ऐसे काला काला सा या रेड रेड सा काला काला सा होने का, है ना, ज्यादा मिठाई खाने वाले बच्चों को देखा होगा, फिर ऐसा होने का सिंपल रीजन यही है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ब्रश योर टीथ मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड एंड राइट आफ्टर यू गेट अप ब्रश द टीथ, सो दैट द पीएच इन आवर माउथ, है ना, एसिडिक से थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है या थोड़ा बहुत बेसिक हो जाता है, विच विल नॉट कोरोड योर टीथ। एंड द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स और प्लांट्स, या आई हैव रिटन हियर केमिकल वारफेयर। तो एक केमिकल वारफेयर कौन करता है, एग्जाम्पल है हनी बी, है ना, एंट्स भी करते हैं। सो एंट्स कैन यू नो बाइट यू, हनी बी कैन स्टिंग यू, और उसकी स्टिंग जब करते हैं तो उसमें से कोई एसिड निकलता है, दैट्स अ मेन थिंग, है ना, नॉर्मली मेथनोइक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको। सो मेथनोइक एसिड एन ऑर्गेनिक एसिड, इट इज सिक्रेटेड, और इवन द स्टिंग हेयर ऑफ नेटिल लीव्स, नेटिल लीव्स, नेटिल जो है एक पौधे का नाम है, कैन सर्च टू व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी। सो ये नेटिल लीव्स का जो स्टिंग है इसको टच करने से फिर जलन सा महसूस होगा और वहां पर सूजन भी आ सकता है, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए वी कैन गो फॉर डॉग लीव्स, क्योंकि वो मेथनोइक एसिड है और ये डॉग लीव्स इट इज इन बेसिक इन नेचर, सो इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड। और हनी बी का स्टिंग में भी यही है कि हनी बी का अगर अटैक हुआ आपका तो यू हैव टू ट्रीट देयर विद सम एल्कली, सम बेस। और गलती से यू नो टॉयलेट वगैरह में जो एसिड यूज होता है, गलती से वो एसिड आपकी बॉडी में गिर गया, देन यू हैव टू ट्री कैन ट्रीट इट बाय टूथपेस्ट एक्चुअली, बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, राइट। सो इट इज ऑलवेज यू नो एडवाइजेबल नॉट टू प्ले विथ एसिड बिकॉज इट इज हाईली कोरोसिव। लेकिन ये एसिड को हम न्यूट्रलाइज थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज को आप डाइल्यूट कर सकते हैं। सो डाइल्यूट कैसे करेंगे, डाइल्यूट करने का क्या सिस्टम है, तो उसके लिए हम डाइल्यूट करने का सिस्टम स्पेशली फॉर एसिड कि जितना आपको डाइल्यूट करना है और उतना पानी आपको लेना है, वाटर लेना है, और वाटर में धीरे धीरे आपको एसिड को डालना है। सो नॉर्मली अपन डाइल्यूशन का मतलब ये जानते हैं, जैसे दूध को डाइल्यूट करना है, दूध को है ना डाइल्यूट करना है, तो दूध में पानी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, जितना ज्यादा डाइल्यूट करना है उतना ज्यादा पानी डाल दो।
सो पानी डालना डाइल्यूशन मानते हैं, लेकिन यू नो व्हेन यू डाइल्यूट एन एसिड दैट विल बी ए फूलिश थिंग टू डू। उसका रीजन ये है क्योंकि आप एसिड में वाटर को डालेंगे दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। सो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और ये एक्सोथर्मिक होने से स्प्लैश आउट हो जाएगी, मतलब आपके चेहरे में ही आ जाएगा अगर आप ऐसा एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और उसमें पानी डालेंगे तो पानी के साथ ज्यादा हो गया और ऑटोमेटिकली आपको पर यूनिट वॉल्यूम एच प्लस आयंस कितना है वो कम मिलेगा ना। सो एक यूनिट वॉल्यूम में एच प्लस आयंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो देन दैट विल बी ए वीक एसिड है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन अगर आप उसमें उसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी वीक और उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिखते हैं अपन और डाइल्यूट H2SO4 लिखते हैं। और इन दोनों में अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या है पानी का हिस्सा तो बहुत कम होगी और डाइल्यूट H2SO4 में पानी का अमाउंट ज्यादा होगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डाइल्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले पानी लेंगे और पानी में एसिड को डालेंगे, ऐसे नहीं कि एसिड में पानी डालेंगे। एसिड में पानी डालना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि वहां पे एसिड बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा पानी डालते ही उसके रिएक्शन से वो स्प्लैश आउट हो जाएगी। लेकिन अगर पानी में एसिड डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा है तो एसिड थोड़ा सा ही डाला आपने तो थोड़ा सा एसिड ही रिएक्ट हुआ, लेकिन अगर आप एसिड में पानी डालेंगे तो पूरा एसिड क्या कर रहा है, उस पानी से रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम नॉर्मली कैसे डाइल्यूशन को करते हैं, वी पोर एसिड इनटू स्लोली है ना, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल अमाउंट में एसिड को क्या करते हैं, हम डालते हैं एसिड को वाटर में, वाटर में डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं। सो इन दिस वे यू कैन डाइल्यूट ए कंसेंट्रेटेड एसिड। सो ऑलवेज इट इज यू नो टोल्ड और प्रिफर्ड एट दैट डोंट प्ले विथ एसिड है ना, बी अवे फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बिकॉज इट इज हाईली करोसिव। ओके सो That's all about this topic. And the next topic that we are going to learn is about salt. तो salt में you know strong salt or weak salt ऐसा नहीं है, acidic salt or basic salt and we are neutral salt. We are going to discuss about salt in the next video. So in part 4 video we'll be discussing about that. So whatever I have told you, just write it down and read the activities in your textbook, or if any doubt, you can ask me in the online session.